Hello students, how are you? Here is your English teacher, Naresh Verma. Today we will discuss this topic, syntax, common errors. Some part of this topic was discussed yesterday. The topic is dedicated to class 11th and 12th. Here are some sentences. They need some correction. We have to read out the sentences very carefully. Then we will find the mistakes, the errors in the sentences. So let's start. First one is, he lives in boarding. अब देखिए boarding जो है कभी नहीं होता, हमेशा होता है boarding house, boarding school, ये होता है। तो यहाँ पर हम करेंगे in a boarding house। ये पूरा एक कंप्लीट फ्रेज है, बोर्डिंग कभी नहीं होता, ठीक है ना, याद रखेंगे इसको, आपको ये आपको लर्न रखना पड़ेगा, बिकॉज फ्रेज हमेशा जो एक सेट कर देंगे पहले से है ना, वो हमेशा वो वही रहते हैं, एज इट इज रहते हैं, उन पर हम कोई मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते या कुछ अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकते ना उसको हटा सकते, ठीक है ना। तो फ्रेज हमें लर्न करने पड़ेंगे। सेकेंड लिखा हुआ है द लॉयर गेव मी मैनी एडवाइसेस। अब देखिए मैंने आपको कल एक कुछ नाउंस मैंने बताए थे, सम नाउंस आर देयर दे कैन नॉट बी इन प्लूरल फॉर्म, मतलब डायरेक्टली हम उसको प्लूरल फॉर्म में नहीं कर सकते, जैसे मान लीजिए इंफॉर्मेशन आपका है, फर्नीचर है ना, सोप है, आयरन है, मतलब कुल मिलाकर के मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दे कैन नॉट बी टर्न इन टू प्लूरल फॉर्म डायरेक्टली। वी हैव सम वेज टू गिव द सेंस ऑफ प्लूरल फॉर्म इन अदर वेज, मतलब कुछ और तरीके होते हैं हम उसको, अगर प्लूरल सेंस में उसको करना चाहते हैं तो हम उसको और अलग तरीके से करेंगे, लेकिन उसको हम डायरेक्ट उसका प्लूरल फॉर्म नहीं फॉर्म करेंगे। जैसे यहाँ पे एडवाइस के एडवाइस करा गया रॉन्ग है आपका, अगर हमें प्लूरल सेंस में लाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें इसमें हम कर देंगे मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, एडवाइसेस कभी नहीं होगा। अब देखिए आपका हो गया ये बहुत सारी पीसेस हैं एडवाइस की, है ना, तो ये आपका हो जाएगा, इस तरीके से होता है, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर होता है, पीसेस ऑफ पोएट्री होता है, पोएट्री से भी नहीं होता है, कल मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट वन आपका लिखा हुआ शी सिक्योर्ड गुड नंबर्स इन मैथ्स। अब देखिए किसी भी सब्जेक्ट में जब आप कोई कुछ नंबर्स आप गेन करते हो, है ना, कितने आप कितने नंबर आपके आए सब्जेक्ट में, तो वो एक्चुअली नंबर से होते हैं, दे आर मार्क्स, क्या होते हैं वो आपके मार्क्स होते हैं, तो नंबर से भी नहीं होता है, हमेशा क्या हम यूज करते हैं मार्क्स। देखिए कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स बनाए गए हैं जो सटीक मतलब आपको वहीं पर यूज करने हैं, उसके अलावा दूसरा को वर्ड वहाँ पर यूज नहीं करना है, तो ये आपके पहले से सेट किए गए वर्ड्स हैं जो सिलेक्टेड हैं, हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ पर मार्क्स आपका आएगा ना कि नंबर्स आएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ इट इज आई हु इज योर फ्रेंड, सेंटेंस तो देखिए दोबारा देखिए, इट इज आई लिखा हुआ है, यहाँ तक सेंटेंस पूरा करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है कि इज जो आपका है ये वर्ब टू बी की फॉर्म है, टू बी में क्या कहता है इज एम आर वॉज वर, जबकि पांच फॉर्म्स हैं वर्ब बी की जो आती है, इसके बाद अगर वर्ब बी के बाद में कोई भी कॉम्प्लीमेंट आएगा और अगर कॉम्प्लीमेंट की जगह कोई प्रोनाउन दिया हुआ है, दैट प्रोनाउन विल ऑलवेज बी इन नॉमिनेटिव केस, ओके, हमेशा वो आपका किस केस में आएगा, नॉमिनेटिव में तो होता है सब्जेक्टिव केस, तो यहां देखिए लिखा हुआ इट इज आई, आई क्या है बेटा, आई आपका सब्जेक्टिव केस में आता है, तो ये आपका करेक्ट है यहां पर। अब इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है, हु इज योर फ्रेंड, अब ये हु क्या है, हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, क्या ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगी वो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो यूज किया गया है आपका एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट में भी इन द फॉर्म ऑफ प्रोनाउन और नाउन, यहां पर आपका ये प्रोनाउन दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर वर्ब आने चाहिए, यहां पर इस दिया हुआ ये गलत है आपका, आए साथ में सभी नहीं आता है, हमेशा क्या आता है यहां पर एम आएगा, तो जैसे कि हम यहां पे क्या यूज करेंगे, एम यूज करेंगे, ये आपका करेक्ट हो गया।
इट इज आई हु एम योर फ्रेंड, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड आपका लिखा हुआ शी कुड नॉट गेट इवन पासिंग मार्क्स। बहुत ही वेल नोन आपका फ्रेज है पासिंग मार्क्स। बहुत लोगों ने आपने सुना होगा कि पासिंग मार्क्स कितना है इसका, उसके केवल पासिंग मार्क्स ही केवल वो गेट कर मतलब वो कर पाया है ना, इस तरीके से आपने सुना होगा, सारे लोगों ने सुना होगा। तो पासिंग मार्क्स आपका जो है दिस इज अ रॉन्ग फ्रेज, स्लैंग आपका फ्रेज है, ये आपका यूज नहीं होता है, हमेशा इसका होना चाहिए पास मार्क्स। ये होता है पास मार्क्स होता है ना कि पासिंग मार्क्स, ठीक है। पासिंग मार्क्स आपका जो है इनकरेक्ट आपका फ्रेज है। नेक्स्ट लिखा हुआ है व्हेन शी वेंट टू दिल्ली। अब देखिए व्हेन शी वेंट सॉरी व्हेन ही वेंट टू दिल्ली, सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव वर्ड जब भी दिया होगा तो उसमें एक रूल होता है कि आफ्टर क्वेश्चन वर्ड आफ्टर इंट्रोगेटिव वर्ड यू हैव टू पुट हियर द हेल्पिंग वर्ड रिलेटेड टू द टेंस given here। अब यहां देखिए लिखा हुआ went, tense का हम जो declaration है कहां से करते हैं, with the help of verb, finite verb मतलब क्या होती है main verb। अब यहां went दिया है, went आपका go का second form है, past form आपका है, simple past tense आपका हुआ। simple past tense में जब भी sentence आपका interrogative होगा या negative होगा तो हम उसमें क्या यूज करेंगे, उसकी जो auxiliary verb है उसकी helping verb हम उसमें आप यूज करेंगे। तो इसके बाद मतलब वो कहां पर यूज होगी आपकी helping verb, वो आपकी verb यूज होगी आफ्टर क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट के बीच में हम यूज करेंगे। तो आपका यहां पर verb आपकी आ जाएगी when के बाद, यहां लगेगा आपका did, क्या लगेगा did, और ये आपका हो जाएगा go। तो कुल मिलाकर आपका sentence क्या बनेगा, sentence आपका बन जाएगा when did he go, और आगे जो लिखा हुआ आपका हो जाएगा इसमें when did he go to Delhi, और आगे क्वेश्चन मार्क आपका बन जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट सेंटेंस, when did he go to Delhi, ना कि when he went to Delhi, ये आपका सेंटेंस इनकरेक्ट था। आगे लिखा हुआ है there is no place in the carriage for you। देखिए बहुत अच्छा यहां पर एक रूल आप बताने जा रहे हैं, whenever you occupy any space anywhere, कहीं पर भी अगर आप स्पेस को ऑक्युपाई करने जा रहे हैं या आप ऑक्युपाई करें या मतलब कोई भी चीज आप वहां पर रखें, और मेनली कोई भी व्हीकल में हो, जैसे हमारे आपका बस है कार है या ट्रेन है, वहां पर आप बैठेंगे या अपनी चीज रखें कोई भी कोई आप सामान पर रखेंगे, तो वहां पर हम उसकी जगह के लिए हम मतलब प्लेस कभी यूज नहीं करेंगे। प्लेस की जगह हम क्या यूज करेंगे, एक वर्ड आपने सुना होगा रूम, रूम आपका होता है। देयर इज नो रूम इन द कैरिज फॉर यू, ठीक है ना। ये वर्ड आपने देखा होगा एक लेसन था अगर द बास्केट, उसमें राइटर ने यूज किया है आई हैड नो रूम, ठीक है ना, मेरे पास कोई रूम नहीं था। टू परचेज मोर आर्टिकल्स, ज्यादा आर्टिकल्स परचेस करने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं बची थी, मतलब यहाँ पर रूम यूज किया गया था। ऑक्युपाई करने के लिए जब भी कोई प्लेस का स्पेस का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर हम उसके लिए हम प्लेस के लिए हम क्या यूज करेंगे, रूम यूज करेंगे। यहाँ पर आपको आ जाएगा देयर इज नो रूम इन द कैरिज फॉर यू। अगर क्या है ही वॉज इन हरी, अब इन हरी कभी नहीं होता है, आपका करंट जो फ्रेज आपका है वो क्या है इन आ हरी होता है, इन आ हरी ना कि इन हरी। This is the correct phrase. He was in a hurry. फिर लिखा हुआ All his family members are educated. देखिए, ये कभी नहीं होता है। All his family members नहीं होगा, इसमें होगा आपका All the members of his family. ये होता है आपका करेक्ट आपका है All the members of his family. ये आपका करेक्ट इसमें फ्रेज है All the members of his family are educated. ये आप देखेंगे ये family members आपका wrong है। और last आपका लिखा हुआ है Hari as well as his sister have attended the party. What is the rule of as well as? देखिए जहां कहीं पर भी आपको मिल जाए as well as, ठीक है ना, when as well as joins two subjects तो as well as के पहले
जो सब्जेक्ट दिया होगा, वॉट एवर सब्जेक्ट इज गिवेन बिफोर एज वेल एज, इट विल डिसाइड द वर्ब। जो वर्ब यहां पर यूज करेंगे आप, इसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे जो सब्जेक्ट एज वेल एज के पहले दिया हुआ है। अब यहां क्या दिया हुआ है, हरी, हरी इज कंसिडर्ड एज सिंगुलर सब्जेक्ट। यहां पर क्या आएगा, अब सिंगुलर में क्या यूज करेंगे, यहां पर क्या यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे, ना कि हैव यूज करेंगे। तो यहां पर क्या आएगा, इसमें आपका आ जाएगा हैज, हरी एज वेल एज सिस्टर हैज अटेंडेड द पार्टी, ठीक है ना। सो दीज आर सम सर्टेन रूल्स यूज इन दिस सेंटेंस, एंड द रेस्ट पार्ट विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।